हाय फ्रेंड्स, दीपिका की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप गाजर के हलवे को बनाकर और खाकर बोर हो गए हैं तो गाजर से बनने वाली हमारी इस नई रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए, जिसका नाम है कैरेट डिलाइट। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। कैरेट डिलाइट बनाने के लिए हम हाफ के जी गाजर लेंगे और इस गाजर को हम पिलर की मदद से पिल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी गाजर को पिल कर लेंगे। ये देखिए सारी गाजर पिल हो गई है। अब हम गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हम इस तरह से अपनी सारी गाजर को काट लेंगे। ये देखिए हमारी सारी गाजर कट गई है। अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में जो हमने गाजर को काटा था उसे डाल देंगे। और इस पैन में हम 2 कप पानी डाल देंगे। और इसे ढककर हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए हमारी गाजर बॉईल हो गई है। हमें इसे इस तरह से दबा कर देख लेना है ये गल गई है कि नहीं। ये देखिए इजली कट जा रही है, ये गल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम अपनी बॉइल गाजर को पानी से अलग करके एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस गाजर को हम ठंडा होने देंगे और हमने ये जो गाजर का पानी था ये भी हमने अलग निकाल लिया है, इसे भी हम बाद में यूज कर लेंगे। ये देखिए गाजर ठंडी हो गई है। अब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में हम जो पेस्ट तैयार किए थे उसे ट्रांसफर कर देंगे। हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे। और इसे मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा चला लेंगे। जब तक हमारी चीनी इसमें मेल्ट होती है तब तक हम इस एक कटोरी में हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर लेंगे और इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करके और इस गाजर वाले पेस्ट में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर डाला है। अगर हम इसे बराबर चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा और बीच बीच में इसकी गुठली पड़ने लगेगी। ये देखिए इसमें थिकनेस आने लगी है। अब इसी स्टेज पे हम इन इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ काजू ऐड कर देंगे। और इसे हम मीडियम आंच में मिक्स करते हुए और थिक कर लेंगे। इसे थिक बनाने के लिए बराबर चलाते रहना पड़ेगा, इसमें बहुत ही पेशेंस रखने की जरूरत है। हमें इसी तरह की थिकनेस चाहिए। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गाजर के मिक्सचर को सेट करने के लिए हम इस तरह की थाली ले सकते हैं, पर हमारे पास इस तरह का ग्लास है। हम इसे ग्रीस करके इसमें हम अपने मिक्सचर को सेट करेंगे। अब हम मिक्सचर को इसमें भर देंगे। और अच्छे से इसे हम भर के इस तरह से टैप कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे।
ये देखिए, हमने इस तरह से इसे भर के तैयार किया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे दोनों हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। अब हम इसे गरी के बुरादे में चारों ओर से कोट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। इसी तरह से हम सारे कोट कर लेंगे। अब हम इसे पिस्ते से थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए, तैयार है हमारा कैरेट डिलाइट। दोस्तों, आप भी हमारी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए।